हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब है क्या? ठीक है, एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब बताया मैंने कि एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करेगा, और उसके साथ साथ, ठीक, किसको? सारे किसी कंप्लीट सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, फ्रेजेस को मॉडिफाई करेगा। ये सारी चीजें आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़िएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा कि एडवर्ब यूज हुआ है कि नहीं। आप लोग बोलोगे कि हाँ नहीं, ये मॉडिफाई कर रहे नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सेंटेंस में एडवर्ब है या नहीं है। तो सेंटेंस में एडवर्ब होगा तो हम ये समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें एडवर्ब पे क्लियर की। अब हम लोग पढ़ते हैं कैसी एरर्स हमारे एग्जाम में, हमारे पेपर्स में आती हैं। ठीक है, तो कैसी एरर्स आती है? देखिए, टू क्या है? मैंने आपको बताया कि टू एडवर्ब है। ठीक है, टू एडवर्ब है। किसी भी सेंटेंस में टू एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब की तरह से ही यूज होगा। ठीक है, टू एडवर्ब की तरह से यूज होगा। टू के बाद, एडवर्ब के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव आएगा। एडवर्ब के जनरल केसेस में क्या होता है? एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो ये हुआ, हम लोगों ने पढ़ा कि एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो टू हुआ हमारा एडवर्ब, और इसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव आएगा। अब मैम प्रूफ करिए, आप कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे मैंने बोला शी इज टू ब्यूटीफुल, देखिए टू क्या है आपका? एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडवर्ब के बाद क्या आया? एडजेक्टिव आया। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर अगर हमारे वर्ड्स दिए गए टू मच दिया हुआ है, तो टू मच के जस्ट बाद में क्या है? जस्ट बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, टू मच के जस्ट बाद आप एडजेक्टिव अगर लगा होगा तो वो सेंटेंस में गलत होगा। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 90% चांसेस हैं इसके पेपर में आने के। ठीक है, तो क्या है? टू मच के जस्ट बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा, और मच टू के बाद में एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ये एक बहुत आसान तरीका है लर्न करने का कि टू मच, मच के बाद नाउन आएगा, और मच टू लिखा हुआ है, तो आपको मैंने अभी एक तरीका बताया है कि टू के जस्ट बाद, ठीक है, एडजेक्टिव आता है। तो क्लियर हो गया? टू मच के बाद नाउन आएगा, और मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा। अब ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, तो सबसे पहले आप लोग इन सारे सेंटेंसेस को पढ़िए। क्या लिखा है? हर बिहेवियर वॉज टू मच पेनफुल फॉर मेंबर ऑफ माई फैमिली। हर बिहेवियर वॉज टू मच पेनफुल फॉर मेंबर ऑफ माई फैमिली। आप देखिए, क्या ये जो टू मच यूज हुआ है सेंटेंस में सही है या नहीं है? ठीक है, सेकेंड हमारा सेंटेंस क्या है? दिस लाइब्रेरी इज वेरी ब्यूटिफुल बट मच टू स्मॉल फॉर रीडिंग पर्पज। फॉर मच टू स्मॉल फॉर रीडिंग पर्पज। अब मैंने थर्ड सेंटेंस बोला ही हैज मच टू मनी। तो आपको सबसे पहले देखना है कि मैंने आपको रूल्स क्या बताए कि टू मच के जस्ट बाद, ये आपका फर्स्ट रूल है। क्या है आपका फर्स्ट रूल है? टू मच प्लस नाउन, लिख लीजिए, टू मच प्लस नाउन, मच टू प्लस एडजेक्टिव, यानी टू मच के बाद नाउन आएगा, और मच टू के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो क्लियर हुआ? अब देखिए, हम सेंटेंस को, जैसे आप लोग इसे पढ़ के आप देखिए क्या ये सेंटेंसेस जो लिखे हुए वो सही है। देखिए, हर बिहेवियर वॉज टू मच पेनफुल, तो ये पेनफुल क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो क्या ये टू मच सही है? तो ये आप लोग बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है क्या इस सेंटेंस में टू मच होगा या मच टू होगा। सेकंड पे आते हैं, दिस लाइब्रेरी इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस लाइब्रेरी इज वेरी ब्यूटीफुल बट मच टू स्मॉल फॉर रीडिंग पर्पज। मच टू स्मॉल फॉर रीडिंग पर्पज, यहां पर क्या है? मच टू लिखा हुआ है। मच टू के बाद जस्ट क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अब आपको देखना है क्या ये एडजेक्टिव है या नहीं है। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो ये सही होगा, ठीक है, नहीं होगा तो ये सही नहीं होगा। तो ये सारे जितने सेंटेंसेस हैं आपको करने हैं, आपको बताना है कि मच टू सही है या नहीं है, कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, थर्ड क्या है हमारा? He has much too money. Much too, और मैंने क्या बताया? Much too के just बाद adjective आएगा, और यहाँ पर money क्या है? Noun है, adjective है। मेरे according तो noun है, लेकिन अब आप बताओगे कि much too सही होगा या too much सही होगा। ठीक है, तो ये सारे जितने मैंने आपको sentences दिए हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा sentence correct है और किसमें कौन सी mistake है।
ओके गाइस, तो हो गया आपका ये रूल नंबर फर्स्ट, टू मच प्लस नाउन, मच टू प्लस एडजेक्टिव, टू मच के बाद नाउन आएगा और मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। और इन सारे सेंटेंसेस में आपको पढ़ना है और बताना है कि टू मच के बाद नाउन आ रहा है कि नहीं। अगर नाउन नहीं आएगा तो गाइज वो गलत होगा, ठीक है। आप उसके जस्ट आप क्या करोगे, टू मच को चेंज करके मच टू करोगे, ठीक है। यहां पर देखोगे मच टू लिखा है क्या, इसके बाद मच टू के बाद एडजेक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो आप इसे टू, आप इसे क्या कर दोगे, टू मच करोगे। तो ये आपको देखना है, मच टू लिखा हुआ है यहाँ पर, मच टू के बाद क्या एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव है ये। अगर ये एडजेक्टिव नहीं है तो आप बताओगे कि हाँ ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये नाउन है या जो भी है, मुझे नहीं पता ये नाउन है या एडजेक्टिव, आपको बताना है, ठीक है। जो भी है फिर आप बताओगे कि ये टू मच होगा या मच टू होगा, ठीक। तो इस तरीके की एरर्स आपके पेपर में आती ही आती हैं और आपको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा टू, टू क्या है, टू कैसे यूज होता है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में टू किस तरीके से यूज होता है, टू क्या है, टू एडवर्ब है। अब ये जो एडजेक्टिव लिखा हुआ ये वो समझ लेना कि मैंने इसे बोला है कि टू एडवर्ब, टू एडजेक्टिव है, टू क्या है आपका, एडवर्ब है, ठीक है। और जस्ट एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता ही आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा टू के बारे में और टू किस तरीके से सेंटेंस में टू के बाद मच आएगा और मच के बाद टू और इसके जस्ट बाद एडजेक्टिव होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे इनफ के बारे में। गाइज हम, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इनफ के बारे में। तो इनफ क्या है, इनफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, पर्याप्त। और ये हमेशा एडजेक्टिव के जस्ट बाद में आते हैं। किसके बाद में आते हैं, एडजेक्टिव के जस्ट बाद में आएंगे, ना कि आप इन्हें एडजेक्टिव से पहले। मैंने आपको बताया क्या था कि एडवर्ब मोस्टली क्या होते हैं, एडवर्ब हमेशा, मैंने आपको क्या बताया था, एडवर्ब के जस्ट बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और अब मैं आपको ये रूल बता रही हूं, कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आपको, जस्ट मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि जस्ट एडवर्ब के बाद में जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये तो आपको अच्छे से क्लियर है, लेकिन यहाँ पे देखिए आफ्टर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के इनफ जो है वो एडजेक्टिव के जस्ट बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। ध्यान से सुनिए, इनफ एडजेक्टिव के, क्योंकि इनफ क्या होगा, अगर एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है तो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। अब आपको पहचानना है कि एडजेक्टिव क्या है, देखिए ही इज इनफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होगा, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस, क्या लिखा हुआ है, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अब आपको पहचानना है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इससे पहले की जो वीडियोस एडजेक्टिव का जो टॉपिक पढ़ा हुआ है आप उसे देख लीजिएगा। तो इंटेलिजेंट क्या है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। और मैंने रूल क्या बताया, इनफ इज ऑलवेज यूज आफ्टर एडजेक्टिव, कि इनफ क्या है, एडजेक्टिव के बाद में यूज होगा। तो एडजेक्टिव है आपका इंटेलिजेंट, तो इनफ तो देखो भाई पहले यूज हुआ है। अब जब इनफ, इनफ आपका पहले यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। तो कहां होना चाहिए, इंटेलिजेंट इनफ होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, इंटेलिजेंट इनफ होगा। और गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं ना, इसमें से एटलीस्ट आपके 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। ही इज इनफ इंटेलिजेंट नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, शी इज लकी इनफ टू पास द एग्जाम, शी इज लकी इनफ टू पास द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लकी इनफ सही है या नहीं है, ये आपको बताना है कि लकी इनफ होगा या इनफ लकी होगा, ठीक है। या फिर ये सेंटेंस सही भी हो सकता है, तो ये आप बताएंगे ये करेक्ट है या नहीं है। बस आपको अपने माइंड में एक रूल सेट करना है, क्या इनफ, जनरल जो केस, जनरली जो केसेस हैं उसमें एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। क्या बोला मैंने, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। लेकिन इनफ जो है, ठीक है, इनफ, अगर हम इनफ की बात करें तो इनफ जो है वो एडजेक्टिव के जस्ट बाद आता है, ठीक है। इनफ किसके बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद। और आपको सेंटेंसेस में ये पहचानना है कि अगर इनफ यूज हुआ है तो पहचानना है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहां पर है। आपको अगर एडजेक्टिव मिलता तो आप देखिए क्या इनफ को सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं। तो
ये आप लोग क्लियर कर लोगे सेंटेंसेस को पढ़ करके। तो सेकंड आपको कर रहा है शी इज लकी इनफ होगा या इनफ लकी होगा, ठीक है। तो हो गया समझ में, आ गया आपको। हम लोगों ने क्या पढ़ा, टू के बारे में और टू मच, ठीक है, मच टू, कि टू मच के बाद क्या आएगा और मच टू के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इनफ, बताया कि इनफ और इनफ के बाद क्या यूज होगा, सॉरी इनफ किस तरीके से सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये रहा आज का टॉपिक आपका। और आपको इन दोनों जो मैंने टू और इनफ के बारे में बताया, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हो आपको करना है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।